अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। दोहरे कत्ल में मुलविस 5 मुलजमीन गिरफ्तार, रचाकुंडा पुलिस की तहकीकात के बाद कार्रवाई, कमिश्नर पुलिस की मीडिया कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद बैरूनी कंपनियों के सेंटर्स के लिए पुरकशिश मुकाम, रियासती वज़ीर आईटी के टी रामा राव ने जैनम वैली में 5 प्रोजेक्ट्स का किया आगाज। मजलिस अराकीन असेंबली अवामी फलाह बहबूद के इकदाम पर मसरूफ, हुकूमती स्कीमों से मंजूरा चेक्स की हवालगी। अब खबरें तफसील से। रचाकुंडा पुलिस ने उप्पल पुलिस स्टेशन हदूद में हुए बाप और बेटे के दोहरे कत्ल में मुलविस 5 मुलजमीन को हिरासत में ली और केस को सुलझा लिया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने मीडिया को बताया कि आदर्श नगर उप्पल के साकिन 75 साल नरसिमला नरसिम और उसके छोटे बेटे 45 साल नरसिमला पर हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया था। इस सिलसिले में पुलिस ने एल विनय युगेंद्र रेड्डी, यलाबाला कृष्णा, लाल जगदीश गौड़, गनवाइया राम और गायकवाड़ श्याम सुंदर को हिरासत में लिया। इस केस में मुलविस मजीद 3 मुलजमीन से पुलिस की पूछताछ बाकी है। तकनीकी शवाहद को इकट्ठा करने के बाद इस केस को हल किया गया। कमिश्नर पुलिस ने इस केस के सिलसिले में मीडिया को मजीद तफसील भी बताई। अक्टूबर के सुबह उप्पल पुलिस स्टेशन के साई हनुमान नगर में एक डबल मर्डर केस रिपोर्ट हुआ, जिसमें फादर और सन को 2 व्यक्ति ने आके उनके ऊपर अटैक करके उनको मार दिया था। वो केस हमारे डीसीपी मलकाजगिरी, एसीपी एसएचओ उप्पल के टीम ने और हमारे एसओटी के टीम ने डिटेक्ट किया है। इसमें 5 लोगों को अभी हमने हिरासत में लिया है। इसमें जो प्रधान सूत्रधार है उसका नाम है विनय, अलियास विनय रेड्डी, उसका और जो मर गया प्रिस्ट जो ब्लैक मैजिक सॉर्सरी का भी काम करता था करके अभी हमें मालूम हुआ है, जिसका 75 उम्र है, इसका पहले से परिचय था। 2016 में जब विनय ने सब इंस्पेक्टर की एग्जाम लिखी तो कुछ पूजा करने के लिए 6,00,000 रुपया। रियासती वज़ीर सनत व आईटी के टी रामा राव ने बी हब जैनम वैली में जुमला 5 प्रोजेक्ट्स के लिए संगे बुनियाद रखा। मस्कुरा 5 प्रोजेक्ट से रियासत में 1100 करोड़ रुपये बैरूनी सरमायाकारी होगी, जबकि 3000 नए रोज़गार के मौके भी फराहम होंगे। लाइफ साइंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर मुबनी मस्कुरा 5 प्रोजेक्ट्स के मंजुमला RX प्रीप्लांट अहम प्रोजेक्ट है, जो अपने सेंटर पर तकरीबन 900 करोड़ रुपये सरमायाकारी खर्च करेगा और 9,00,000 स्क्वायर फीट पर मुबनी इसका अहाता होगा। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे सनत व कॉमर्स जयेश रंजन के अलावा मुतालिका प्रोजेक्ट से जुड़े कंपनियों के जिम्मेदार भी मौजूद थे। क्वालिटी स्पेसिफिक पैथोजन फ्री एनवीगो ब्रांडेड रिसर्च मॉडल्स एक्सेलरेटिंग देयर रिसर्च प्रोग्राम्स। My next stop from here is Vimta Labs, where I am slated to inaugurate another electronic testing facility aimed at supporting development of medical electronics among other areas. With a vision to complement the best scientific ecosystem with world-class campuses that foster collaboration and innovation, these new projects today, all the 5 that have been launched. सदर रियासती बीजेपी व रुकन पार्लिमान बी संजय ने मंगोड़ असम्बली हलके में बीजेपी उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया। बी संजय ने बताया कि कोमट राजगोपाल रेड्डी ने असम्बली की रुकनियत से महज इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि उन्हें रियासती हुकूमत की जानिब से उनके हलके की तरक्की के लिए फंड जारी नहीं किए जा रहे थे, लेकिन अब वो बीजेपी के टिकट पर मुकाबला करते हुए कामयाबी हासिल करने के बाद मरकजी हुकूमत की स्कीमात को रूबेमल लाएंगे और बीजेपी की ताकत से दुबाक और हजूराबाद की तरह इस हलके की शाहराओं के तामीरी काम और बस्ती दवाखानों का ख़याम अमल में लाया जाएगा। वजीर फाइनांस व सेहत हरीश राव ने TRS उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर तनकीद की और बताया कि जो कायदीन
खुद तेलंगाना तहरीक से दूर थे, वो आज रियासती वुजरा और टीआरएस कायदीन पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि टीआरएस कायदीन का तेलंगाना तहरीक से कोई ताल्लुक़ नहीं था, जबकि रियासत और मंगूर की आवाम ये बात अच्छी तरह जानती है कि वज़ीरे आला के चंद्रशेखर राव और मौजूदा रियासती वुजरा और टीआरएस कायदीन की मुसलसिल जदोजहद की वजह से रियासत की तकसीम और तेलंगाना की तश्कील अमल में आई। टीआरएस कायद भानु प्रसाद ने बताया कि टीआरएस कायदीन ने इलेक्शन कमीशन से इस बात की नुमाइंदगी की थी कि ज़िमनी इंतखाब में मोटर कार से मुशाहबत रखने वाला निशान किसी भी आज़ाद उम्मीदवार को फरहम ना किया जाए, क्योंकि साबिका इंतखाबात में ट्रैक्टर और दीगर निशानात की वजह से टीआरएस उम्मीदवारों को नुकसान का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस ताल्लुक़ से इलेक्शन कमीशन ने अब तक कोई फ़ैसला नहीं किया, जिसकी वजह से टीआरएस ने अदालत से रुजू होने का फ़ैसला किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मंजूरा पेंशन कार्ड्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने चारमीनार मंडल के तहत आज़मपुरा डिवीज़न के 250 मुस्तहक दरख्वास्त गुजारों में पेंशन कार्ड्स तकसीम किए। बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असेंबली अहमद बलाला हुकूमत की स्कीमों से मुस्तहकीन को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हमातन गोश मसरूफ़ हैं। इसी के तहत आज़मपुरा डिवीज़न के मज़ीद 250 मुस्तहकीन में पेंशन कार्ड्स तकसीम किए गए। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर एसएम अबरार के अलावा मुतालिका महकमे जात के ओहदेदार और मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। इस्तीफादा गुनकान का ताल्लुक़ फरहत नगर, चंचलगुड़ा, उस्मानपुरा, कट्टलगुड़ा और मिल्लत गली से बताया गया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मुतालिका डिवीजन्स में जारी अवामी फलाह बहबूद के इकदामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत नुमाइंदा कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट डिवीज़न मोहम्मद सैफुद्दीन शफी ने एमसीएच कॉलोनी में वाक़ अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में शुरू किए गए स्क्रीनिंग कैंप का मुआयना किया। इस कैंप में आँखों की पुतली में आने वाले कंटैक्ट के मुआयने किए गए। काबिल अज़ी कमिश्नर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की मौजूदगी में नुमाइंदा कॉरपोरेटर ने इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर UPHC का अमला भी मौजूद था, जबकि चादरघाट पुलिस स्टेशन का अमला भी इस मौके पर मौजूद था। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी के चेक्स की दारुसलाम में तकसीम अमल में आई। रुकन असेंबली हल्के कारवान कौसर मुहीद्दीन ने 180 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। इनमें शादी मुबारक के 60 और कल्याणी लक्ष्मी के 120 चेक्स बताए गए हैं, जहां गोलकुंडा और आसिफ नगर मंडल के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम अंजाम दी गई। जुमला 1,80,00,000 रुपये के चेक्स तकसीम किए गए और इस्तीफादा कुनिंगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। रुकन असेंबली हल्के याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने दारुसलाम में मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स तकसीम किए। 20 दरख्वास्त गुजारों में चेक्स तकसीम किए गए। मस्कुरा चेक्स की जुमला की लागत 11,20,000 रुपये बताई गई है। इस्तीफादा कुनिंगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। आसिफ नगर पुलिस ने 16 अक्टूबर को दिलशाद नगर में हुए कत्ल के सिलसिले में मुलजिम को हिरासत में लिया और केस को सुलझा लिया गया। पुलिस के मुताबिक रणविजय ब्रिजभरी का कत्ल किया गया था और तहकीकात करते हुए पुलिस ने राजकुमार नामी शख्स को हिरासत में लिया। मकतूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश का मुतवतिन था और पेशे से पेंटर बताया गया है, जबकि मुलजिम ने शराब के नशे में उस पर तामीरात में इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। बहस व तकरार और आपसी मुखासिमत इस कत्ल की वजह बताई गई है। मर वाले हैं दोनों भी, लेबर काम करते, पेंटिंग में लेबर काम करते, इनमें दोनों भी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी वाले हैं। ये दोनों को राजेश सहानी बोल के
एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर लेके आए उसको, ये दोनों को। एक काम करने के बाद रात में पूरा एक 8-10 जने मिलके एक ही रूम में रहते मुरादनगर में। ये जो 16 तारीख के दिन रात में 9 बजे के बाद ये खाना पकाने में वो इश्यू पे लड़ाई हुआ, दोनों के बीच में बहस हुआ, तुम पकाना बोल के। उसमें जब तक ये लोग पीके भी थे, वो बहस होने के बाद ये जो राजकुमार, ये रणविजय ब्रिजबारी सिंह को वहाँ पे लकड़ी लेके मारने के बाद फोर हेड पे उसको मार लगने के बाद ये उसका बाकी का रूममेट्स और ये राजेश सहानी लेबर कॉन्ट्रैक्टर उसके साथ में ये मारे 100 आदमी भी उसको मेडिकल और हॉस्पिटल गच्चीवाली को लेके गए। तब तक डॉक्टर्स क्या बोले तो डिक्लेयर्ड हिम ब्रॉड डेड, इन्हों तब तक मर गया बोल के। मरने के बाद इन्हों वहाँ से भाग गए, जब डर हो के राजकुमार वहाँ से भाग गए। पास में भाग जाने के बाद ये पुलिस वाले को इन कंप्लेंट दिया, राजेश साहनी उसका जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, कंप्लेंट देने के बाद SOT एलबी नगर ने अराजी के फर्जी दस्तावेजात तैयार करने वाली 5 उखनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर रचाकुंडा महेश भागवत ने बताया कि संदीप कुमार, अजय कुमार, चंद्रशेखर, धरुण कुमार और बोमा रामाराव को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि ये टोली 20 साल पहले रजिस्टर हुई अराजियात का जायजा लेती और अगर कहीं पर भी अराजी खाली पाई जाती तो उसके जाली दस्तावेजात तैयार किए जाते। इसके अलावा इस तरह की अराजी के लिए फर्जी आधार कार्ड भी तैयार किया जाता। उन्होंने बताया कि फर्जी दस्तावेजात के जरिए हकीकी मालिकान को मसाहलत के लिए धमकाया जाता और इस तरह के इस टोली ने 4 दस्तावेजात तैयार किए थे जिसकी जुमला मालियत तकरीबन 4 करोड़ रुपये बताई गई है। पुलिस ने बताया कि अंबरपेट और गटकसर की अराजी के भी दस्तावेजात तैयार किए गए थे, जबकि पुलिस ने टोली के कब्जे से स्टाम्प के अलावा दीगर अशिया भी बरामद कर ली। अत्तापुर राजेंद्र नगर में महकमे मॉल के अहदेदारों ने जल मंडल के लिए अलाट करदा 6 एकड़ पर किए गए गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त करवाया। ज़राए के मुताबिक सर्वे नंबरात 507, 511, 513 और 514 में जुमला 24 एकड़ 20 घंटे अराजी है, जिसके मंजुमला 6 एकड़ पर 62 शेड्स डालते हुए गैर मजाज कब्ज़े किए गए थे। इससे कबल इन्हें नोटिसें जारी की गई, ताहम नोटिसों को खातिर में ना लाने पर पुलिस की मौजूदगी में मस्कुरा शेड्स पर JCB चलाए गए। इस मौके पर राजेंद्र नगर RDO चंद्रकला, शमसाबाद जोन DCP जगदीश्वर रेड्डी के अलावा दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। ज़िला कलेक्टर की जानिब से इस सिलसिले में अहकाम भी जारी किए गए थे। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने मोटर बाइक्स के सरखे में मुलविस एक मुलजिम को हिरासत में लिया और इसके कब्जे से 5 बाइक्स जुमला मालियती 2 लाख रुपये बरामद किए। पुलिस के मुताबिक 27 साल मोहम्मद काशिफ को हिरासत में लिया गया जो आसिफ नगर का साकिन है। हिरासत में लेने के बाद मुलजिम को जब्त शुदा अशिया के हमरा बंजारा हिल्स पुलिस के हवाले किया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर, दोहरे कत्ल में मुलविस 5 मुलजमीन गिरफ्तार, रचाकुंडा पुलिस की तहकीकात के बाद कार्रवाई, कमिश्नर पुलिस की मीडिया कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद बैरूनी कंपनियों के सेंटर्स के लिए पुरकशिश मुकाम, रियासती वजीर IT KT रामाराव ने जैनम वैली में 5 प्रोजेक्ट्स का किया आगाज। मंडली सियारा की असेंबली आवामी फलाह बहबूद के इकदाम में मसरूफ, हुकूमती स्कीम से मंजूरा चेक्स की हवालगी। मुन्नूगढ़ असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम जारी, तमाम सियासी पार्टियां अपने उम्मीदवार की कामयाबी को लेकर पुरअज़्म। नाज़रीन रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।